राजीव गांधी को बेस्ट कहने पर प्रियंका ने मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी ये देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता। प्रियंका ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा पीएम ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का अपमान किया। कांग्रेस के पलटवार के बाद बीजेपी बोली पीएम मोदी ने राजीव गांधी के बारे में जो कहा सच कहा। राहुल प्रियंका पर प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार, कहा सच सुनकर पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं भाई बहन। कहोगे मौत का सौदागर, कहोगे नीच, कहोगे आप दोगे गाली तो वो अच्छी है, और हमने सच्चाई बताई तो भी आपको गाली लगती है। राजीव गांधी पर बयान को लेकर तेजस्वी ने जताई आपत्ति, कहा मोदी का बयान बहुत अशोभनीय। शोभनीय है, बहुत ही घटिया बयान है, और इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री बोलेंगे हम लोगों को उम्मीद नहीं। समाजवादी पार्टी ने मोदी की निंदा की, कहा वो राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, उनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री। रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, फेसबुक पर लिखा राजीव गांधी पर हमला नैतिक गिरावट का संकेत। राजीव पर हमले को लेकर पीएम मोदी पर पी चिदम्बरम का वार, कहा जिनका निधन 1991 में हो गया उन पर हमला कर पीएम ने शिष्टाचार की हदें पार कर दी। यूपी के भदोही से मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा हमारी नीति और नियत में कोई खोट नहीं। की नियत से, सही नीति से काम करते हैं तो नामुमकिन भी नामुमकिन। पीएम मोदी ने कहा देश में चार तरह की राजनीतिक संस्कृति, नामपंथ, वामपंथ, दामपंथ, और हम लाए हैं विकास पंथ। तीन तलाक पर मोदी ने कहा हम देश के मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार देना चाहते। सागर की रैली में बोले मोदी कांग्रेस की वजह से जो काम 25 साल में पूरे होने चाहिए थे उन्हें 21वीं सदी में हमें करना पड़ रहा है। मायावती का मोदी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में फूट डालकर राज करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। मायावती ने कहा एससी एसटी और बीएसपी और एसपी गठबंधन की वजह से मुश्किल में हैं प्रधानमंत्री, 23 मई को अहंकार टूटेगा। माया गालान, कहा एसपी बीएसपी के वोटर अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को दें वोट। अखिलेश का पीएम मोदी पर वार, कहा यह सिर्फ 1% लोग वाले प्रधानमंत्री। अखिलेश बोले पीएम को पता है कि अब सरकार नहीं बनने वाली तो आयकर विभाग सीबीआई ईडी के पड़वा रहे हैं छापे। थप्पड़कांड को लेकर अरविंद केजरीवाल का हमला, केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना। बाकी हर राज्य के अंदर उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हीं के अंडर में काम करने वाली पुलिस की है, तो अगर मुझ पर हमला होता है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। केजरीवाल बोले मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की, हमारी सरकार को कुचलने की कोशिश। बीजेपी पर केजरीवाल के हमले, कहा मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, मेरे मंत्रियों पर छापे मारे, हमारे काम की वजह से हमें किया जा रहा है टारगेट। केजरीवाल ने कहा मोदी की तानाशाही के खिलाफ अब उठेगी आवाज, मैं किसी से नहीं डरता। केजरीवाल ने पूछा मोदी और पाकिस्तान में क्या रिश्ता है, इमरान खान मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहता है। इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने जहां गोरखपुरी में किया रोड शो, आज बढ़ाई गई थी सुरक्षा, बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स भी थे साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के मौजपुर में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, निकाली भैंसे की बारात। पश्चिमी मिदनापुर में मुख्यमंत्री ममता को करना पड़ा जय श्रीराम के नारे का सामना, गाड़ी रुकवाकर नारा लगवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बिफरी। ठीक है जी, ठीक है।
किधर क्या है। पश्चिमी मिदनापुर में नुक्कड़ सभा के दौरान ममता ने समर्थकों से लगवाए नारे। भारत का जो इतिहास, भारत का ऐतिह्य, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, जय श्रीराम के नारे से नाखुश ममता, बताएं किस नारे से होंगी खुश। अमेठी में स्मृति ने राहुल प्रसाद का निशाना कहा, आयुष्मान कार्ड वाले मरीज का उनके अस्पताल में नहीं हुआ इलाज, जिससे चली गई उसकी जान। दिल्ली में मोदी के समर्थन में आए कई सेलिब्रिटी, बीजेपी के कार्यक्रम में सपना चौधरी, बोनी कपूर, पूनम ढिल्लो समेत कई कलाकार शामिल। 72 घंटे का बयान खत्म होते ही चुनाव प्रचार में उतरी साध्वी, भोपाल में भव्य स्वागत। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पीएम मोदी पर निशाना, कहा उनके दर्शन तभी होते हैं जब एमपी में चुनाव होते हैं। बाबा रामदेव ने येचुरी की हिंदुओं और धर्मग्रंथों पर की गई टिप्पणी के आंदोलन की धमकी दी, येचुरी की गिरफ्तारी के बाद। बंगाल के घाटल में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष विवाद में, टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी धमकी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भारती घोष का किया समर्थन, कहा उन्होंने जो कहा सही किया। भारती पर चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई, बयान की रिकॉर्डिंग की जांच के बाद होगा फैसला। कल 7 राज्यों की 51 सीटों पर 5वें चरण में मतदान, अमेठी में डाले जाएंगे वोट, पोलिंग पार्टियां रवाना। लखनऊ में कल होगा वन मतदान, ईवीएम के साथ अधिकारी रवाना। शोपियां में वोटिंग से पहले संदिग्धों ने पोलिंग बूथ में लगाई आग, जांच में जुटी पुलिस। अनंतनाग में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर की गोली मारकर हत्या, आतंकवादियों ने मारी गोली। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी बीजेपी नेता की हत्या की निंदा, कहा सुरक्षा की समीक्षा के लिए बुलाएंगे उच्च स्तरीय बैठक। जौनपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, गठबंधन पर हमला, कहा 23 तारीख को दोनों में मारपीट तय। आप देखना, आप होने जा रहा है और ये तय है भाइयों बहनों, हम भी तैयार हैं, जब इन लोगों में मारपीट होगी तो खून खराबा हम नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। गुरदासपुर में चुनाव मैदान में डटे बीजेपी उम्मीदवार अभिनेता सनी देओल, आज भी किया रोड शो। ऊना में कांग्रेस नेता रामलाल का सीएम जयराम ठाकुर पर हमला, कहा मुख्यमंत्री बनने से कद नहीं बढ़ा सकते। सोनीपत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी रैली, राहुल गांधी पर हमला, बोला वो देशहित की बात नहीं करते। रोड़गे में हार्डवेयर की दुकान में आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। झाबुआ में टूरिस्ट बस के 76 लाख के चांदी के गहने बरामद, पुलिस इनकम टैक्स को सौंपे। गाजीपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, चचेरे भाई पर आरोप। माथेरन हिल स्टेशन घूमने आई मुंबई की एक महिला की मौत, खाई में गिरने से हादसा। नोएडा के सेक्टर 127 में निजी यूनिवर्सिटी की छात्रा के अपहरण, हैवानियत की कोशिश, पुलिस ने छात्रा को बरामद किया। नोएडा पुलिस ने आरोपी को भी किया गिरफ्तार, पूछताछ में बोला मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसका अपहरण कर लिया। पटना एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया शख्स, पुलिस ने की पूछताछ। बिहार के औरंगाबाद में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार बनाने वाले गिरोह का खुलासा। झारखंड के रामगढ़ में SBI की ATM मशीन उखाड़ कर ले गए अपराधी, लाखों की लूट। भरतपुर में व्यापारी का अपहरण कर 20 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। हाथरस में तहसीलदार का घूसखोर पेशकार बेनकाब, वीडियो वायरल। अलवर में तेंदुए ने शख्स को मार डाला, वन विभाग ने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। चारधाम यात्रा से पहले अब तक बर्फ से पटी वादी, 7 मई को यमुनोत्री गंगोत्री के खुलेंगे कपाट। दिल्ली के पास नोएडा में रेव पार्टी का खुलासा, लगभग 200 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। देर रात फार्म हाउस में चल रही थी रेव पार्टी, सभी दिल्ली के रहने वाले। गुजरात के बोटाद में ATS को बड़ी कामयाबी, रंगदारी हत्या के आरोपी
को महिला अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। अंधेरी वेस्ट में एक इमारत में सिलेंडर फंसने से भीषण आग। आरा में एक शख्स के सामने उसके बेटी की पीट पीट कर हत्या, कारण साफ नहीं। अमरोहा में शुगर मिल में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। मोतिहारी में लड़की और उसके चाचा को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। पूर्व दिल्ली के खिजलीपुर में 21 साल के युवक की करंट लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना में बाइक सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में तस्वीर कैद। मुरैना में 4 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, लोगों ने किया हंगामा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।